दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नॉलेज टू यू और दबाइए नोटिफिकेशन बेल ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल नॉलेज टू यू में। जैसा कि मैं मैथ की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम के, तो आज मैं नंबर सिस्टम से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 100% पूछने की संभावना रहती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैं आज आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा उसे आप एक बार देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें और देखें मैंने आपको कौन कौन से मैथ बताए हैं और आप जिस सेट से प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे फ्यूचर में होने वाले रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक तो रेलवेज़ की वैकेंसी या कोई बात नहीं हुआ है, तो फिर भी अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो आप एक बार जिस सेट से प्रैक्टिस करते हैं मेरे मैथ्स बताने के बाद, इन सब सारे मैथों को उनमें से ढूंढिएगा, देखिएगा कि पूछे जाते हैं कि नहीं, आपको ज़रूर मिलेंगे वहाँ पर इस प्रकार के नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस। तो चलिए मैथ शुरू करने से पहले, तो दोस्तों चलिए आज हम आपको अपना पहला मैथ बताते हैं। तो आज का हमारा नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ पहला सवाल क्या है, इसे हम संख्या पद्धति भी बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति, हिंदी में इसे हम संख्या पद्धति भी बोलेंगे। संख्या पद्धति से जुड़े सवाल, तो संख्या पद्धति से जुड़े सवाल आज हमारा पहला सवाल किस प्रकार का है? तो हमारा आज का पहला सवाल है, यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो इसका हम आपको बहुत ही आसान शॉर्ट सा ट्रिक बताएंगे बनाने का, जो कि आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे बनाएं। तो सॉल्व करते हैं, चलिए इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सारे डिजिट्स पहले लिखेंगे। हमारा पहला डिजिट क्या? 25। उसके बाद दूसरा डिजिट क्या? 7। सीरियल वाई लिख लेंगे, तीसरा डिजिट है 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे हम इसमें जो हमारा पहला डिजिट है इसका कोई काम नहीं रहेगा, इसे हम इसको काट देंगे। ठीक है, काट देने के बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले नंबर को थर्ड वाले नंबर से डिवाइड दे देंगे। ध्यान रहे कैसे डिवाइड देंगे, 5 को दे देंगे डिवाइड 7 से। तो कितना बार में कटेगा? 5 × 1 = 5 कटा नहीं, मतलब डिवाइड हुआ, बचा 2। ये जो हमारा 2 बचा, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल हमारा क्या होगा? 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से सुनिए, क्वेश्चन क्या हमारा, यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो हम पहले तीनों नंबर लिखेंगे जो हमारा पूछा गया, जैसे सवाल में तीनों नंबर जो जिक्र किया गया वो तीनों लिख देंगे, 25, 7 और 5 लिख दिए। तो इसमें से हमारा पहला नंबर का कोई काम नहीं रहेगा, उसको हटा देंगे। फिर सेकंड वाले नंबर को थर्ड वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे हमारा जो निकलेगा ये शेष, क्योंकि शेषफल पूछा, रिमाइंडर, इंग्लिश में शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, R से जिसे इंडिकेट किया जाता है, तो ठीक है, तो रिमाइंडर बोलते हैं। तो हमारा ये आज का पहला सवाल था, चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा दूसरा सवाल क्या है वो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं कि चलिए ये सॉल्व कैसे हो। तो हमारा आज का दूसरा सवाल है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, पहले ही सवाल की तरह है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चाहिए। यदि उसी संख्या के वर्ग को, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, यहाँ तक तो क्वेश्चन से है, फिर यहाँ पे यदि उसी संख्या के वर्ग को, वर्ग मतलब स्क्वायर को, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो जैसा हमने पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम डिजिट्स लिख लेंगे। सबसे पहले हमारा डिजिट क्या है, पहला डिजिट 35 यानी 35, दूसरा डिजिट क्या है 4, तीसरा डिजिट क्या है 5। तो ये तीनों डिजिट लिखने के बाद हम करेंगे क्या, तो करेंगे सबसे पहले जो बताएं थे उसमें, कि इसको हम पहला डिजिट का काम कुछ नहीं रहेगा, उसको हम काट देंगे, उसको हम काट देंगे, काट देंगे तो अब 5 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए संख्या में क्या बोल रहे हैं, 4 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को, मतलब इसका वर्ग को भाग देंगे, इसका वर्ग हमारा क्या होगा 16, 4 4 जो 16, 4 4 16, इसको डिवाइड दे देंगे 5 से,
फाइव से डिवाइड देंगे, कैसे डिवाइड देंगे, फाइव को डिवाइड देंगे सिक्सटीन से, तो क्या आ जाएगा थ्री टाइम्स में, यानी तीन बार में पाँच या पंद्रह, फाइव थ्री या फिफ्टीन, वही सब सर, तो एक तो हमारा क्या आएगा एक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो चार शेष बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को, मतलब जो शेष बचता है इसके वर्ग को फिर से 5 से भाग दिया जाए, तो वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा, तो हम तीनों डिजिट लिख लेंगे, पहला डिजिट का हमको कोई काम नहीं रहा क्योंकि उसका जो बचेगा उसके वर्ग को, क्योंकि चार से तो ये भाग खाएगा ना, वर्ग को वैसे चार में इसमें दो बैठा है, चार चौके 16 आया, फिर 5 से इसको भाग दे दिए, तो हमारा एक जो आंसर आ गया। अगर हमारे पास इसी टाइप का क्वेश्चन रहता तो आपने इसे नोट कर लिया, तो हमारे तरफ इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, वर्ग के जगह घन यानी क्यूब, क्यूब रहता, क्यूब मतलब किसी के भी पावर ऊपर तीन, से कोई भी संख्या है उसके ऊपर पावर तीन, इसको क्यूब बोलते हैं, वो तो वर्ग की बात कर रहे थे क्यूब। अगर मान के चलिए हमको बोलता है इसी क्वेश्चन में चार शेष बचता है यदि उसी संख्या के घन को 5 से भाग दिया जाए, तो उसी तरह हम लिख लेते हैं क्या, तीनों डिजिट लिख लेते हैं 35 35, फिर लिखते 4, फिर लिखते 5, लिखने के बाद क्या करते हैं बोल रहा घन को, तो इसके ऊपर तो 64 को किससे भाग दे देते हैं, 5 से भाग देते थे, कितना बार में जाता 5 1 जा 5 1 4 5 2 जा 10, तो क्या आता हमारा 4, तो ये हमारा 4 जो आता है इसका रिमाइंडर वही हमारा आंसर हो जाता है, यानी शेष फल, क्योंकि क्वेश्चन में ही शेष फल पूछ रहा था, तो शेष फल क्या होगा। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा तीसरा सवाल इस प्रकार से है, आज का हमारा तीसरा सवाल इस प्रकार से है कि 2 पे पावर 31 को यदि 3 से भाग दे तो शेष फल क्या होगा। इस तरीके का सवाल रेलवेज IPS SSC IPS क्लर्क में और SSC में भी पूछे जाते हैं, SSC GL में ऐसा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 100% रहता ही है। तो क्वेश्चन आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए, किस टाइप का सवाल रहते हैं एग्जाम्स में, तो 2 पे पावर 31 को यदि 3 से भाग दे तो शेष फल क्या होगा। तो इस तरीके का सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें दो रूल फॉलो करने होंगे, अब दो रूल हमें याद करने होंगे या याद रखने होंगे या समझने होंगे अच्छे से, बहुत ही आसान सा रूल है, तो चलिए हम आपको बताते हैं हमारा पहला रूल क्या है। यदि पावर सम संख्या है तो पावर 2 या 4 लेते, अगर हमारा पावर मान चलिए कोई भी संख्या है मान के चलिए, तो उसके ऊपर पावर कुछ भी हो, अगर वो सम संख्या में है, अगर वो सम संख्या में है यानी इवन नंबर में है तो हम क्या लेंगे, उसका पावर लेंगे 2 या 4, क्या लेंगे 2 या 4 लेंगे, बस यही चीज़ ध्यान में रखना है हम लोगों को, क्या यदि हमारा पावर सम संख्या में तो पावर 2 या 4 लेंगे। हमारा दूसरा रूल क्या है, हमारा दूसरा रूल इस तरीके से है, यदि पावर विषम संख्या में है, यदि कोई भी पावर हो अगर वो विषम संख्या में है, जैसे हमारा ये संख्या उसके ऊपर कोई भी पावर विषम संख्या यानी ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में विषम संख्या में यानी लास्ट में 1 3 5 7 हो पावर में, 1 3 5 7 हो पावर में, तो हम उसका क्या करेंगे, क्या लेंगे 1 या 3 लेंगे, क्या लेंगे उसके बदले, उस पावर के बदले 1 या 3 लेंगे, क्या लेंगे 1 या 3 लेंगे, बस इतना ही हमको बस पावर रूल को फॉलो करना है और कुछ नहीं। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करके समझेंगे कि इस रूल से हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ के बता देते हैं, 2 पे पावर 31 को यदि 3 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा, हमको 2 पे पावर 31 है अगर 3 से भाग दे तो शेष फल क्या होगा। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या मैं क्या बोल रहा 2 पे पावर 31 है, तो 2 पे पावर 31 है, तो हमारा पावर क्या है विषम संख्या में, तो हमारा रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे। रूल नंबर 2 क्या हमारा, यदि पावर विषम संख्या है तो पावर 1 या 3 लेंगे, तो पावर मेरा 31 है तो उसके बदले में 1 ले लेते हैं, मान के चलिए 1 ले लेते हैं, उसको क्या बोल रहा है भाग 3 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। तो अगर 2 पे पावर लिए 1 तो हमारा 2 ही आता है, 2 एकम 2 ही होता है, अगर 3 तो ये तो हमारा नहीं होगा, डिवाइड नहीं खाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा, तो हम क्या लेंगे 1 से काम नहीं चला तो हम क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, तो हम 2 पे पावर 31 से विषम है, 1 से काम नहीं चला तो 3 ले लेंगे,
तीन ले लेंगे, और उसको किससे भाग देना है, तीन से भाग देना, तीन से भाग देना है। तो दो पे पावर तीन लिया तो हमारा क्या है, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो तीन को दो को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो दूनी चार, चार दूनी आठ। बहुत ही आसान सा बात है जो कि हम लिख के फिर भी आपको समझा दिए। तो हमारा आठ हो गया, आठ को किससे भाग देना है, तीन से भाग देना। इसको हम भाग दे के देख लेते हैं, तो थ्री टू जा सिक्स, तीन दूनी छः, इसको घटाएं तो हमारा दो आया। हमारा जो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, शेषफल निकालने वाला, तो हमारा ही आंसर हो गया, समझे। इस तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से फॉलो कीजिए, रूल को ध्यान से याद रखिए, आपको एक सेकंड से दो सेकंड में बन जाएंगे। ये तो मैं आपको बस लिख के समझा दे। चलिए हम इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते एक इवन वाला फॉर्मूला लेके। तो हमारा चौथा सवाल किस तरीके से, 17 पे पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, 17 पे पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम बोले कि एक इवन वाला फार्मूला लेके कर लेते हैं, इवन वाला रूल लेके फार्मूला, सॉरी फार्मूला बोलते हैं, तो फार्मूला ही होता है। तो हमारा क्या है क्वेश्चन में सॉल्व करते, चलिए चार नंबर का, बहुत ही आसान है, देखिए इस तरीके से आपको फॉलो करना है। ये हमारा इवन नंबर है, तो इवन नंबर में हम क्या बोले थे, दो ले लेंगे या चार ले लेंगे। अगर 17 में पावर दो लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 289 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 होता है। इसको बोल रहा है किससे डिवाइड देने के लिए, 18 से डिवाइड देने के लिए, 18 से डिवाइड देंगे तो हमारा क्या होगा, 289 डिवाइड 18। अगर 17 पे पावर चार लेते तो, क्योंकि दो पर ही हमारा काम हो रहा है इसलिए हम कर इसको चलिए डिवाइड दे देते हैं, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36 हो जाता है, 18 वन जा 18, तो हमारा क्या आया, 109 आया है। और फिर से 6 से ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 108। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा, एक। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, इसका एक बचा, हमारा शेषफल क्या बचा, एक बचा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक। तो समझे दोस्तों इसको किस तरीके से सॉल्व किए, 17 पे पावर 200 था तो हम तो उतना लिए ना, हम रूल के हिसाब से गए कि हमारा पावर अगर सम संख्या है यानी इवन नंबर है तो पावर दो या चार लेते, तो हम दो ले लिए, दो ले लिए तो इसको 17 का स्क्वायर किए तो मेरा क्या निकला, 289। 289 को क्वेश्चन ने बोल रहा है 18 से भाग दिया, 18 से भाग दिए, 18 से भाग दिए तो वन बार में 18, सिक्स बार में 108 दिए, तो हमारा शेषफल क्या निकल गया, एक। एक हमारा क्वेश्चन में बोला शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, तो हमारा शेषफल एक होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा बस। तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से तीन नंबर और चार नंबर समझ में आ गए होंगे, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों पाँच नंबर का सवाल हमारा इस प्रकार से है, 67 पे पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, देखने में बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन इसमें भी हम क्या करेंगे, इवन और ऑड वाला फार्मूला ले लेंगे। तो हमारा क्या है सॉल्व करते हैं, चलिए हमारा क्या 67 पे पावर 67 है, इसको बोला 68 से भाग देने के लिए, हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑड है, ऑड में क्या लेते हैं, एक या तीन, तो हमारा यहाँ पे एक लेने से काम चल जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 134, 67 और 67 को एक बार में पावर लेते उतना ही आएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये आएगा 134। 134 को क्या बोल रहा है, इन दोनों को जोड़ के 68 से भाग देने पर, 68 से इसको भाग देने बोल रहा है। और चलिए इसको भाग देते हैं हम लोग, तो इसको भाग देंगे तो हमारा एक बार में ही कट जाएगा, क्योंकि 68 टू जा होगा हमारा 136, तो एक बार में ही लेंगे, एक बार में लेंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 14 से 8 गया 6, 12 से 6 गया 6, तो 66 आया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, यानी शेषफल क्या आया, 66, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है 67 को 67 पावर पर 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसमें भी हमने इवन और ऑड वाला रूल अपनाया, क्योंकि देख लेते हैं
इवेन इवेन अगर रहता तो दो या चार लेते हैं, हमारा यहाँ ऑड है यानी विषम संख्या, विषम संख्या है तो हम यहाँ एक या तीन लेंगे, तो एक लिए क्योंकि एक लेने से हमारा काम चल गया, क्योंकि एक लिए तो 67 आया, 67 को जोड़े तो 134 हुआ, 134 को हमको बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से 68 से भाग देने पे, तो 68 से भाग दिए तो एक बार में लिए तो 68 आया, हमारा शेषफल 66 निकला। तो दोस्तों 5 नंबर का सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक दो बार बना ले तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। तो आपके सामने हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन में हम देख क्या देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन क्यों है? ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा इस तरीके से 4 पे पावर 19 + 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, मतलब इस ये जो निकलेगा यहाँ पर किसको भाग देंगे जिससे पूरे तरीके से इस ये ऐसा क्या निकलेगा यहाँ जो इसमें से किसी से कट जाए, ठीक है, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम देखेंगे यहाँ पे सॉल्व, चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है 4 पे पावर 19 यानी 4 पे पावर 19 + 2 हमारा ये दिया हुआ, ये हमारा क्या है ऑड नंबर। ऑड नंबर में हम क्या बोले थे, पावर ऑड नंबर में कितना भी रहे तो हम उसके बदले एक या तीन लेते हैं। चलिए हम एक लेके देखते हैं, सबसे पहले एक लेके देखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे, हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा 4 + 2 तो हमारा आ जाएगा 6 यहाँ पर, तो 6 से तो काम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं जिसको भाग देने जाएंगे, या 10 है, 10 से भी 6 से भाग से नहीं होगा तो हमारा ये नहीं होगा, 6 नहीं होगा। तो हम एक से काम नहीं चला तो हम क्या लेंगे, एक या तीन का बात किए थे तो हम चलिए तीन लेते हैं, इस तीन लेते हैं पावर, तो हम क्या आ जाएगा हमारा 4 × 16 = 64 + 2 266, तो क्या है 66 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए किस तरीके से पूर्णतः विभाजित हो गया ना, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये हिसाब किस तरीके से बताएं हम, बस वही इवन और ऑड का रूल को यहाँ पे लगा दिए, लगाने के बाद ऑप्शन में हमारा जो आया ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है उस तरीके से हम बता दिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का हम अपना आखिरी सवाल लेते हैं जो कि सवाल नंबर 7 है। तो सवाल नंबर 7 हमारा कैसा है तो वो देखेंगे सबसे पहले। तो सवाल नंबर 7 हमारा है 4 पे पावर 41 + 4 पे पावर 42 + 4 पे पावर 43 + 4 पे पावर 44 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। जैसे हमने 6 नंबर बनाया बिल्कुल ऐसा हिसाब है, बस थोड़ा सा और फेर है। तो इसको पहले हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ऑप्शन वन, तो ऑप्शन वन में हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम बताएंगे कि हम ऐसा क्यों लिखें। तो पहले हम ऑप्शन वन के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या है सॉल्व करते हैं, चलिए आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो हमारा क्या है 4 पे पावर 41 + 4 पे पावर 42 + 4 पे पावर 43 + 4 पे पावर 44 यही है हमारा। तो चलिए इसको हम पहले इवन और ऑड वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है ऑड है तो हम क्या लेंगे एक या तीन लेंगे, तो एक लेते हैं प्लस इसमें हमारा इवन है तो क्या लेंगे दो या चार लेंगे सबसे आसान है। फिर इसमें क्या लेंगे ऑड है तो एक ले लेते हैं, फिर इसमें क्या लेंगे इवन है तो यानी सम संख्या तो क्या ले लेंगे दो ले लेंगे, तो हमारा क्या आएगा निकल के, हमारा निकल के आएगा 4 × 4 = 4 को 2 बार गुना करेंगे 4 × 16 फिर आ गया 4 फिर आ गया 4 × 16 इसको गुना करेंगे 16 × 4 = 20 16 × 4 = 20 = 40 तो क्या है इसको जोड़ने पे 40 हमारा किससे पूर्णतः विभाजित है ऑप्शन नंबर ए से 10 से पूर्णतः, तो हमारा इस ऑप्शन नंबर वन में ए हमारा सही आंसर होगा, ए हमारा सही आंसर होगा इवन और ऑड में। लेकिन एग्जाम हॉल में कभी कभी हमारा ये ऑप्शन नहीं रहता, हमारा ऑप्शन नंबर वन नहीं रहता, हमारा ऑप्शन रहता है इस तरीके से, हमारा ऑप्शन रहता है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इस तरीके का ऑप्शन रहेगा अगर हमको नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन इस तरीके से रहेगा 19 11 17 24 ये ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इवन ऑड वाले नियम से ये हिसाब नहीं बनेगा। तो हम चलिए इसको दूसरे तरीके से करते हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे 4 पे पावर 41 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा यहाँ क्या बच जाएगा, ऐसे 4 पे पावर 41 निकाली तो हमारा एक बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 4 पे पावर यहाँ 41 निकाले यहाँ क्या बच जाएगा एक बच जाएगा,
प्लस, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे दो बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, तीन बच जाएगा, क्योंकि 4 पावर 41 इसमें से कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे 41 निकाल लिया तो एक बचा, यहाँ पे पावर एक बचा, तो इसमें मतलब पूरा वैल्यू एक बचा, तो इसमें पावर एक बचा, तो इसमें से 41 पावर निकाल लिए तो हमारा क्या बचा, दो वैल्यू बचा, 4 का पावर 2 बचा, यहाँ इसमें से निकाल लिए तो यहाँ पे मेरा 3 बचा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो हम क्या बोले थे कि ये हमारा 4 पावर 41 हो गया इनटू, इसको क्या हो जाएगा मेरा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, चलिए इसको पहले 1 प्लस 4 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16 16 चौके 64 इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 पावर 41 इनटू, इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 85, 4 1 5 16 5 21 64 85। तो हम देखेंगे 85 ऑप्शन नंबर किससे कटता है, 17 से कटता है ऑप्शन नंबर सी से, तो ऑप्शन नंबर सी से 17 से डिवाइड हो जाता तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। इसको छोड़ देंगे, हम ये देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको इस तरीके से ले निकाल लेंगे, निकालने के बाद हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो आप दूसरे तरीके से भी आप समझ गए होंगे, तो दोस्तों कुछ करना नहीं है दूसरे ऑप्शन के लिए, बस हमें करना ही है कि 4 पर पावर 41 है तो प्लस 4 पर पावर 42 है तो प्लस 4 पर पावर 43 है प्लस 4 पर पावर 44। अगर आपको नहीं समझ में आया इसलिए हम फिर समझा रहे हैं, वरना आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो लीजिए हम समझा देते हैं, पहले तो इसमें से हम कॉमन निकाल लिए 4 पावर 41, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू एक बज गया इसमें से, तो इसमें से 4 पावर 41 निकाल लिए तो हमारा 4 पावर 1 बच गया, इसमें से निकाल लिए तो 4 पावर 2 बज गया, इसमें से निकाल लिए तो 4 पावर 3 बज गया। ये सब चीज़ तो आप लोग को समझाने नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व किए तो हमारा ये आया 1 4 1 4 4 चौके 16 4 चौके 16 चौके 64, इसको जोड़े तो हमारा 85 आया। बस हमें देखना ही है कि ये 85 जो ऑप्शन में किससे पूर्णतः विभाजित होता, तो हम देखें हमारा ये सी से पूर्णतः विभाजित होता, सी से पूर्णतः विभाजित होता, 17 को 85 से भाग देंगे तो 17 5 85, तो हमारा आंसर इसका दूसरे टाइप का ऑप्शन रहेगा तो ये हो जाएगा। पहले टाइप का ऑप्शन रहेगा तो आपको हम बता चुके थे कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों अलविदा लेते हैं आज के क्लास से, आज का क्लास यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।